ऐसे कोई मसला नहीं है, चार से पांच बोर्ड। गल समझ आ रही है पापा की बैठ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। घरेलू खवातीन के बच्चों के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। आप कहेंगे कि आज कोई मैंने वाकई में रेसिपी आपको बताई है, ऑथेंटिक रेसिपी, कमाल की रेसिपी, पोटैटो बाइट, पोटैटो बाइट कह लें आप इसको या पोटैटो स्नैक कह लें, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, कमाल के बनते हैं, खस्ता बनते हैं। तवज्जो से देखिएगा, पोटैटो बाइट बनाने के लिए हमने आधा किलो आलू ले लिए 500 ग्राम, इनको इस तरीके से दो दो पीस कर लिए, इनको इस तरीके से हमने बॉयल करना है। इसमें डाल दिया, बीच पानी दब दो, कोई मसला नहीं है। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक का, अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। बॉयल होने के बाद हमने इनको मैश करना है। जब हम इसको मैश कर लेंगे, कैमरामैन आपको क्लिप भी दिखाएगा, हाफ टेबल स्पून नमक का डाल दिया और हम इसको मैश करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे बॉयल करके और मैश करके। जी हमने आलू तमाम को बॉयल कर लिया और इस तरीके से हमने उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कहेंगे कोई रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म होने के बाद 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दें और 30 से 40 सेकेंड इसको इसमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। इस तरीके से 30 से 40 सेकंड जब हमने अच्छे तरीके से इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, गोल्डन की तरफ नहीं जाने दिया, इस टाइम पे आके 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। आलू बॉयल करते वक्त भी नमक हमने डाला था, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हिला लें। जब इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से मिक्स कर लें, ये देखिए इस टाइम पर आके आपने क्या करना है, हमारे पास ये कप है चाय वाला, 1 कप पानी का भर के शामिल करने लगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दें। जब पानी को बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे मुंह की तरफ कर कैमरा, चावलों के आटे से और आलू से इस तरीके से आपको वाइट बनाना सिखा रहा हूँ या स्नैक्स बनाना सिखा रहा हूँ। आप कहेंगे उंगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएंगे आप। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून भर के वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास चावलों का आटा है, गल समझ आ रही है। ये हमने डालना है इसमें 5 टेबल स्पून, ये देखें 1-1 टेबल स्पून डालते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से, जब ये मिक्स हो जाए फिर दूसरा डाल दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से और इनके लम्स ये जो है ना गुठलियाँ वगैरह ये ख़त्म होती रहें, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको बनाते रहें और 5 चम्मच पूरे कर लें। जी 5 टेबल स्पून हमने चावल का आटा बारीक पीसा हुआ फाइन चावल का आटा मिक्स करके इस तरीके से इसको बना लिया और 1 से 1.5 मिनट इसको हमने पका लिया, ठीक हो गया, ताकि चावल के आटे का कच्चापन जो है ना हमने दूर कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर दें, इसको 2 से 3 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हम इसको जल्दी ठंडा करने के लिए बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया, और 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट दे रहे हैं ताकि इसका जो ये जो हीट है ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी हीट निकलने के बाद ये आलू जो हमने मैश किए थे इसके अंदर शामिल कर दें, साथ में ये थोड़ा सा धनिया है, सब्ज धनिया ही शामिल कर दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये कॉर्न फ्लोर है, ऐसे नहीं दब देना, ये जो मैं कहना है उदो दबना है, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लें दोनों चीज़ों को। ये ना जी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। शामिल करके हाथ धो लें मैं, ठीक है, नीयत भी साफ, दिल भी साफ, हाथ भी साफ, और इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर दें। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया कॉर्न फ्लोर के साथ, इसको यहाँ वर्किंग टेबल पे ले आए और हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपसे मिलते हैं।
हाथ साफ करने के बाद कुकिंग ऑयल हाथों पे लगा लें अच्छे तरीके से और इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इस तरह गूंद लें। गूंदने के बाद इसको इस तरीके से रोल कर लें, इस तरीके से कोई मसला नहीं है। 4 से 5 पोर्शन हम इसके बनाएंगे इस तरह, ठीक हो गया। इनको यहाँ पे ले आए, कोई मसला नहीं है। एक को उठा लें इस तरीके से और इसको इस तरीके से रोल कर लें। गल समझ आ रही है बाबा की पेट रहे है, पिट्टी जा रहे है, पिट्टी जा रहे है। रोल करने के बाद इस तरह का रोल हमने कर लिया। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, आपने छुरी या कोई भी चीज ऐसी इस तरीके से उठानी है, इसको इस तरीके से कट लगा लेनी है, ऐसे 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 ऐसे। अगर मैं आपको इनकी शक्ल दिखा सकूं इस तरीके से, ये देख रहे हैं पूरी एक बाइट बन जाए, देखो पूरा एक मुंह आ जाए। गल समझ आ रही है, इस साइज का आपने बना लेना है और सारे मैं साइज के बना लूंगा और फ्लेम को ऑयल को ऊपर चढ़ा दूंगा ऑयल गर्म होने के लिए, ठीक हो गया। तमाम बाइट्स हमने इस तरीके से बना ली और ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, ठीक हो गया। फ्लेम मीडियम रहेगा, गोल्डन ब्राउन इनको करना है, खस्ता भी हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन पे, ठीक हो गया। और आप इसको जिस मर्जी शक्ल में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं। मैंने इस शेप में बनाया, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह डालते हैं मीडियम फ्लेम पे, हाई दब देने और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक होने दें, वो 2 मिनट में हो, 3 मिनट में हो, ठीक हो गया। पैन में फ्राई के लिए डालते वक्त बाइट्स को फौरन नहीं छेड़ देना, ठीक हो गया। 1 मिनट का रेस्ट देना है आयल में ताकि वो जान में आ जाए। आप फौरन चमचा दाब देते हो और तोड़ के बह जाते हो, पापा पेट रहे थे। 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसको इस तरीके से हल्का हल्का हिलाए, चस्के थे होड़ा आगे ऐ बन रहे ने, लड्डू पेड़े बन रहे ने, बस ऐ देख लो। तो इस तरीके से इसको हिलाते रहे ताकि हर तरफ से एक जैसे ये जो है ना ब्राउन हो जाए। गल समझ आ रही है, हिलाने का मकसद ये है हमारा। 3 मिनट टोटल लगे, मुझे ये वाला कलर चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह डाल लें, आपको साउंड भी सुनवाऊंगा इसका, साउंड कैसे होता है। इसको निकाल लें इस तरीके से, बाइट्स को आए हाय हाय सुभान अल्लाह, कैचअप नाल लगा हुए ते बस मुँह च पानी तो आ रहा होगा तुम्हारा हल्का हल्का है, चस्के तो लै रहे होवोगे तुसी। लेकिन तो आप बना सकते हैं भाई, आप अपने घर में बना लें इनको, कोई मसला नहीं है। गल समझ आ रही है। अगर कैमरामैन आपको साउंड सुना सके तो सुनिएगा। गल समझ आ रही है कि पापा की पेट रही है। अब हमने दोबारा इस तरीके से फ्राई करने हैं, कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा, हम तमाम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए तमाम इस तरीके से हमने फ्राई कर लिए, इनको यहां पे निकाल दें इस तरीके से। ये तमाम बाइट्स हमारी पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। अगर मैं इसके साउंड की और खस्तापन की बात करूं, देखिएगा, गल समझ आ रही है बाबा की पेट रहे है। यहाँ पे डिश आउट कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से सुभान अल्लाह, कमाल की तैयार हुई है, कमाल की लुक इनकी बनी है मेरे भाइयों। आप कारोबार करें, बनाएं, एक नई चीज लॉन्च करें, ठीक हो गया। साथ में टमाटो केचप इस तरीके से, ये देखें, ये देखो, गल समझ आ रही है बाबा की पेट रहे है। आ रहे हल्का हल्का मुंह च पानी मेरे भाइयों। पोटैटो बाइट्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं घर में मेहमानों के लिए, अपने लिए, किस तरीके से आप शेफ बन सकते हैं, किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने के लिए हम ठहरे हुए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।